सो हाई गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो पॉपी गेमिंग्स गाइस। आज फाइनली वो वीडियो आ चुका है जिसके बारे में मैंने ऑलमोस्ट मैंने मतलब शायद वेडनेसडे को बता दिया था एंड आज मैं सैटरडे को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नहीं, आज फ्राइडे है तो मैं सैटरडे तक अपलोड करूँगा। एंड आज की वीडियो में ज़्यादा कुछ होने वाला, मैं बस एक हॉरर स्टोरी नरेट करने वाला हूँ। मतलब मैं नहीं करूँगा, मेरा एक दोस्त करेगा, जो कि मैंने आज स्कूल में सोची थी, आज नहीं सोची थी, मंडे को सोची थी मैंने, बट उसमें थोड़ी चेंजेस करते गए, एक्सटेंड थोड़ा करते गए, तो वही सब करते करते थोड़ा लेट हो गया वीडियो। बाकी मेरा दोस्त इसलिए सुनाएगा क्योंकि ये जो मैं वॉइस चेंजर यूज़ करता हूँ इसमें हॉरर स्टोरी वाली फील नहीं आएगी मेरे को। ऐसा कोई ओपी सा वॉइस चेंजर मिला भी नहीं, तो मैंने अपने दोस्त को कहा कि भाई तू स्टोरी नैरेट कर दे, एंड वो मान गया। बाकी अभी स्टोरी तो वो नैरेट करेगा। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मैंने किसी के साथ कोलैब कर लिया, उसके बाद मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। अभी वीडियो को एंजॉय करो एंड स्टोरी को भी। कोरोना पैंडमिक, ये वो टाइम था जब पूरा इंडिया एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था। हर कोई इस डर में था कि कहीं वो पॉजिटिव ना हो जाए, और इसी डर के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया कि वो एक लॉकडाउन लगाएगी। अब लॉकडाउन की वजह से सारी चीज़ें बंद हो गई और सारे लोग घर बैठकर ऑनलाइन काम करने लगे, स्कूल भी अब ऑनलाइन चलाए जाते थे। अब काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जिनको ऑनलाइन पसंद था, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें ऑफलाइन पसंद था, और मैं भी उनमें से एक था। अब कोरोना तो जा चुका है लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ऑनलाइन पसंद है, बट मेरे को अभी भी ऑफलाइन पसंद है। तो मैं अपना एक ऑनलाइन ट्यूशन छोड़ता हूँ और ऑफलाइन ट्यूशन की ओर निकल पड़ता हूँ। काफ़ी सारे ट्यूशन आए और गए, लेकिन मेरे को आखिरी वाला काफ़ी बेहतर लगा। अब उस ट्यूशन के बारे में सारी चीज़ें बढ़िया थी, वहाँ का इंस्टीट्यूट भी काफ़ी बड़ा था, लेकिन अगर किसी चीज़ में वहाँ पर गड़बड़ी थी तो वो थी टाइमिंग, जो कि 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक की थी रात में। रास्ता काफ़ी सिंपल था, तो मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि मैं अकेले आ जा सकता हूँ। अब एक दिन सर हमको कहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस बहुत तेज़ी से फैल रही हैं, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम अपने बच्चों को 1 महीने तक ऑनलाइन पढ़ाएंगे और फिर पूछेंगे कि आपको कैसे ज़्यादा अच्छा लगा। अब सर हम सबसे पूछने लगते कि तुम ऑनलाइन पढ़ोगे ऑफलाइन? अब मैं तो ऑनलाइन ट्यूशन छोड़ के आया था, तो मैंने सर को मना कर दिया, लेकिन मेरे अलावा सारे बच्चों ने कहा कि हम ऑनलाइन पढ़ेंगे। अब मैं अपनी क्लास में अकेला बच्चा था जो कि ऑफलाइन पढ़ना चाहता था, और सर हर रोज़ मेरे को फोर्स करते थे कि बेटा तुम भी ऑनलाइन कर लो, लेकिन मैं मना कर देता था। अब मैं हर रोज़ आता और क्लास में अकेला बैठ के चला जाता, लेकिन एक दिन सर मुझको अपनी एक स्टोरी सुनाते हैं। उस स्टोरी में सर मुझे कहते हैं कि जैसा कि तुम्हें पता है अभी हम लोग 3 भाई हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले हम लोग 4 भाई हुआ करते थे, और जब मैं 16 साल की उम्र का था तब मेरे छोटे भाई ने सुसाइड कर लिया, और जब हम लोग बड़े हुए तब हम लोगों ने सोचा कि हमारे भाई ने अपनी जान क्यों दी होगी। तब हम लोगों को रियलाइज़ हुआ कि वो पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था, जिस वजह से हर कोई उसे डांटता रहता, और इस सबसे छुटकारा पाने के लिए उसने अपनी जान दे दी। अब सर की ये कहानी सुनने के बाद मैं थोड़ा इमोशनल हो गया, लेकिन फिर दोबारा से अपने काम में लग गया। अब अगले दिन मैं 10 मिनट लेट हो गया था, जिसकी वजह से सर ने मेरे को बहुत ज़्यादा सुनाया। मैंने सर को कहा कि सर मैं सिर्फ 10 मिनट ही लेट हुआ हूँ, आप भले ही मेरे को आधा घंटा और रोक लें। लेकिन सर ने कहा कि सिर्फ 10 मिनट का मैटर नहीं है, 6 बजे के बाद हमारे साइड टीचर्स अंदर आ जाते और तुम लोग बाहर अकेले होते हो। मैंने कहा हम घर से अकेले ही आते, तो यहाँ पर भी हम लोग अकेले आ जाएंगे। तो इस बात पर सर बोले कि नहीं, हम तुम्हें उससे बचाते हैं। ये बात सुन के मैं बहुत ज़्यादा हैरान था, और मैंने सर से पूछा कि किससे। उस बात पे सर अपने आप को करेक्ट करते हुए बोले कि नहीं, किसी से नहीं। अब इसके बाद मैं अपनी क्लास में जाता हूँ और अपना काम करना शुरू कर देता हूँ। अब थोड़ी देर बाद सर मेरी क्लास में आते हैं और मुझको कहते हैं कि अगला क्वेश्चन तुम खुद करो। अब सर वाइट बोर्ड के सामने अपनी चेयर डाल कर बैठ जाते हैं और मैं अपना काम करने लगता हूँ, और जैसे ही मेरा काम हो जाता है मैं अपना सर उठाता हूँ, लेकिन तभी मैं देखता हूँ कि वाइट बोर्ड पे एक मार्कर उड़ के कुछ लिख रहा होता है। वो मार्कर और कुछ नहीं लिख रहा था, वो लिख रहा था कि तुम मारे जाओगे। ये देखते ही मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ और सर को कहता हूँ कि सर अपने पीछे देखो, और मैं हेड डाउन कर लेता हूँ। अब इसके बाद सर कहते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं है, फिर मैं भी पीछे मुड़ के देखता हूँ तो वहाँ सच में कुछ नहीं था। अब ये देख के मैं थोड़ी चैन की सांस लेता हूँ, और मेरे को लगता है कि हो सकता है मेरी नींद पूरी ना हुई हो, इस वजह से मेरे को ये सब दिख रहा है। लेकिन अब थोड़ी देर बाद जब मेरा काम दोबारा से हो जाता है, मैं अपना सर उठाता हूँ, तो मेरे को कुछ खौफनाक दिखता है। मैं देखता हूँ कि कोई आदमी वाइट बोर्ड पर उसी मार्कर के साथ कुछ लिख रहा होता है, और जब वो पीछे मुड़ता है तो मैं उसका चेहरा देखता हूँ, और मैं समझ जाता हूँ कि ये सर का चौथा भाई है।
मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाता हूँ और ज़मीन पे गिर कर रोने लगता हूँ। अब मेरी चीख इतनी ज़्यादा ज़ोरदार थी कि पूरे फ्लोर के सारे टीचर्स हमारी क्लासरूम में आ गए और सवाल पूछने लगे कि क्या हुआ बेटा, तुम लोग इतना तेज़ क्यों चिल्लाए। अब मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था तो मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद मेरी मम्मी भी आ गई। अब मैंने अपनी मम्मी को सब कुछ सच सच बताया लेकिन कोई मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहा था। फिर मैंने कहा कि कैमरा खुलवाओ, कैमरे में मैं दिखाता हूँ कि क्या हुआ था। और जब कैमरा खुलवाया तो उसमें सब कुछ साफ साफ दिखा। उस दिन के बाद से मेरे पेरेंट्स ने मेरा ऑनलाइन ट्यूशन दोबारा से शुरू कर दिया। अब मैं उस ट्यूशन में नहीं जाता लेकिन वो ट्यूशन अभी भी वहीं पे है जहाँ पे आज कोई बच्चा लेट नहीं पहुँचता। सो गाइस, कैसे लगी आपको स्टोरी? होप करता हूँ आप लोगों को बढ़िया लगी हो। बाकी मैंने कहा था कि मैंने किसी के साथ कोलैब किया है तो वो और कोई नहीं बल्कि मेरा क्लास का एक दोस्त है जिसके चैनल का नाम है ऑल राउंडर शुभम। उसके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा एंड उसको भी जाके जोर से सब्सक्राइब कर लेना। एंड बाकी कल सैटरडे को मैं शैडो फाइट का एक वीडियो ले आऊँगा और फिर उसके बाद एक बंदे ने मेरे को कोई गेम रेकमेंड किया उसका वीडियो ले आऊँगा और फिर बाकी का देखेंगे कि कैसे क्या करते हैं। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।